आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं कनक बिष्ट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जहां पूरे देश के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है, वहीं आज हम आपको कुछ ऐसे शिवालयों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कुछ ही लोगों को जानकारी है। तो चलिए हमारे साथ भगवान भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन के लिए। पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर जिले के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर बाबा तामेश्वरनाथ धाम की, जहां भगवान शंकर की आराधना के लिए भक्तों की भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, हजारों साल पहले बने इस शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों को ज्ञातवास हुआ था, तब अपने पांचों पुत्रों के साथ माता कुंती सबसे पहले यहाँ आई थी। और यही वो जगह है जहाँ कुंती माता ने अपने पुत्रों की कुशलता के लिए देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की थी, इसीलिए ये शिवलिंग खास है। वहीं इस शिव मंदिर के साथ एक कहानी और भी है, वो ये कि यही वो मंदिर है जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध का मुंडन हुआ था। ये सतयुग की मूर्ति है। द्वापर में कुंती ने आकर के अज्ञातवास के टाइम में भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ रुद्राभिषेक करा करके यहाँ से जो है बांसी के राजा साहब का वो इलाका होते हुए नेपाल की रियासत में पड़ता था, नेपाल के राजा के पास हो गई, वहाँ उन्होंने शरणागत लिया अज्ञातवास के टाइम में। उसके बाद यहाँ श्रद्धालु आते हैं, कांवर वाले भी आते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरी करके यहाँ से जाते हैं। माँ कुंती का अज्ञातवास यहीं था, यहीं पर पांडव रह करके और अपने पुनर्राज प्राप्ति के लिए भगवान इस तामेश्वरनाथ की स्थापना उनके हाथों से की गई थी। भगवान बुद्ध का मुंडन संस्कार यहाँ पर हुआ था, ऐसा हमारे पूर्वज उस समय यहाँ पर थे और बताते थे। वहीं श्रद्धालुओं की माने तो इस मंदिर में तामेश्वर नाम से स्थापित शिवलिंग साक्षात भगवान भोलेनाथ का रूप है, क्योंकि जो भी यहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है भगवान भोलेनाथ उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर लोग यहाँ घंटियां भी बांधते हैं। भोलेनाथ की कृपा है कि हम 30 साल से यहाँ आते हैं और इनके कृपा से बहुत प्रोग्रेस हुए हम और हमारा सभी लोग संपन्न और जो अपने क्षेत्र में जो हमने नाम बाबा के कृपा से जो समाज में इज्जत मिला सभी बाबा कृपा से आने से दर्शन करने से। हमारे माता जी की यहाँ सारे मनोकामना शंकर जी ने पूरा किया है, जो कुछ नहीं था आज भगवान की दया से हमारे माता जी को दो लड़कियाँ थी, एक हम हैं, हमारे भी औलाद हैं, लोग कहते कुछ होंगे नहीं लेकिन भोलेनाथ की सब कृपा है। तो दोस्तों ये तो थी तामेश्वर नाथ की कहानी, अब आपको बताएंगे देवभूमि उत्तराखंड में स्थित उस शिवलिंग की कहानी जहां जाने मात्र से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओम नमः शिवाय।